नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। मेडिकल संचालक और उसके कर्मचारी के आपसी विवाद के मामले में उदयपुर के सविना थाने के एक कांस्टेबल पर कर्मचारी ने जबरन दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सविना स्थित वर्धमान मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले कर्मचारी भूपेंद्र नगारची ने इस संबंध में सविना थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। उदयपुर SP विकास शर्मा के निर्देश के बाद ये मामला दर्ज किया गया। प्रार्थी ने रिपोर्ट में बताया कि मेरे सेठ नवीन कुमार ने 20 अप्रैल 2023 को रात 11 बजे पुलिसकर्मी राजू उर्फ राजकुमार जाखड़ को बुलाया। सेठ जी के घर पुलिसकर्मी राजू द्वारा मुझे जबरन दबाव में लेकर 5 खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवाए और इतना ही नहीं, मेरी मोटरसाइकिल भी छीन ली और मेरे साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। प्रार्थी ने बताया कि मैं बीते 5 साल से नवीन कुमार को की मेडिकल दुकान पर नौकरी कर रहा हूं। नवीन कुमार मुझसे कोई पैसे नहीं मांगता है, लेकिन फिर भी मुझे पुलिसकर्मी के दबाव में फंसाने की धमकी दे रहा है। मामले में जांच कर रहे सविना थाना ASI चतर सिंह ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं, अभी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। वहीं सविना थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास कहते हैं कि थाने के कांस्टेबल राजू को फोन करके बुलाया था तो वो समझाइश के लिए गया था। जबरन दबाव में साइन कराने में कांस्टेबल का कोई रोल नहीं रहा। कांस्टेबल ने आपसी विवाद में दोनों को यह जरूर बोला था कि झगड़ा मत करो, दिक्कत है तो रिपोर्ट दे देना।